मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्लास सिक्स को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट जो है एसएसटी आपका, चैप्टर वन चल रहा है ज्योग्राफी में, और आज का जो आपका टॉपिक जो है वो द अर्थ है, यानी पृथ्वी। द अर्थ एटमोसफियर इज रिच इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल जो है उसमें भरपूर मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मौजूद है। ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है वो मौजूद है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू ब्रेथ, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है, ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है। किस लिए? इंसान को सांस लेने के लिए। अगर पृथ्वी पे ऑक्सीजन ना रहे तो कोई भी इंसान जो है यहाँ पे जीवित नहीं रह सकता है। तो सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ कवर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से गैस जो है वो सुरक्षा करता है एक्सट्रीम कोल्ड से, यानी जब ज़्यादा ठंड होती है तो उससे हमें बचाता है। कौन बचाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बचाती है। तो ये दोनों गैस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पृथ्वी पर सर्वाइवल के लिए, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखिए, जीवन के लिए पानी भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पृथ्वी पे जो है वो पानी भी उपस्थित है, और इसलिए यहाँ पे लाइफ जो है वो लाइफ का एग्जिस्टेंस है। तो पानी बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। आवर अर्थ इज़ यूनिक फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। हमारी पृथ्वी जो है वो दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग है, अनोखा ग्रह है हमारा पृथ्वी जो है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ विभिन्न रूप में क्या है, जीवन है। और इसके वजह से, क्योंकि हमारा पृथ्वी है ऐसा एक ग्रह है जिस पे जीवन जो है वो संभव है, और जीवन में भी बहुत सारी क्या है, विभिन्नताएं हैं, यानी डाइवर्सिटीज हैं। द ओशियंस एटमोसफेयर एंड लैंड प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। देखिए, हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है इसमें बहुत सारे चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि ओशियन, हमारी पृथ्वी पे महासागर हैं, एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, एंड लैंड और ज़मीन है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके वजह से जो है पृथ्वी पे जो है वो जीवन को ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाए रखती हैं। द अर्थ हैज़ डिफरेंट सीजन। हमारे पृथ्वी पे जो है वो अलग अलग सीजन्स होते हैं, कोई एक सीज़न नहीं होता है। जैसे कि जाड़ा का मौसम है, जैसे जाड़ा ही का मौसम होगा, ऐसा नहीं है। जाड़ा का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, पतझड़ जो होता है उसका जो मौसम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पृथ्वी पे ही हैं कि अलग अलग डिफरेंट सीजन्स होते हैं। द सीजनल चेंजेस ग्रेटली अफेक्ट द लाइफ एंड वेजिटेशन ऑन द अर्थ। जो सीज़न में जो चेंजिंग आता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसको, जीवन को और वेजिटेशन को, यानी जो वनस्पति हैं हमारे पृथ्वी पे, उन सारे चीज़ों को क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।